हेलो स्टूडेंट। सो देखो, आज का लेक्चर थोड़ा अलग होगा। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, देखो मैंने चार क्वेश्चन पेपर सॉल्व की, आपने भी चार सॉल्व किए। देखो, पहला वाला क्वेश्चन इजी है। अरे इसकी तो स्टैंडर्ड मैट्रिक स्पेस मतलब यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो आपको S10 निकालना है। हमने लास्ट एक क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है। बाद में ये वाला मैट्रिक है या नहीं, ये भी आपको मैंने सिखाया कि कैसे फाइंड करना है, वो भी आप कर सकते हो। देन यहाँ पे मैंने पहले बोला है फाइनाइट इंटरसेक्शन यूनियन ओपन सेट का सारा करके रखो, ये वाला थ्योरम आप कर लोगे। देखो ये वाला आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब पहले के सिलेबस में था लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन नीचे वाला सम हमने सॉल्व किया है, वेरी इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, ये PYQ है, मतलब देखो ये भी PYQ है, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। ठीक है, बाद में अब प्रॉब्लम कोर्स में चलते हैं। देखो डज ये मैट्रिक है या नहीं, ये भी हमने किया है। बस वहां पे x^4 - y^4 था, अब यहाँ पे x³ - y³ है, क्या फर्क पड़ता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर 4917। सो यहाँ पे शो दैट दिस इज नॉट मैट्रिक फॉर आर, ये आपको सॉल्व करना है। बाद में यहाँ पे देखो ये थोड़ा हटके है, आई थिंक मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये आपके सिलेबस में इंक्लूड करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो वेट एंड वॉच, अगर आपके कॉलेज में इस तरह की कोई फिगर वगैरह ड्रॉ करने का सम सॉल्व किया जाए तो ट्राई करो सॉल्व करने का, अदरवाइज अपने ग्रुप पे पोस्ट कर दो, वी विल सॉल्व दैट। ठीक है, सो इट विल बी ऑन होल्ड या सॉल्व ही करो। ठीक है, देन नीचे ओपन सबसेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, ओपन, ये भी PYQ है। ठीक है, अब ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके, मतलब पहले था अब नहीं है। बाद में इसे आपको मैट्रिक दिखाना है ये वाले को। तो देखो मैंने पहले कहा था एक तो क्वेश्चन में एक तो मैट्रिक दिखाओ, या मैट्रिक स्पेस का एक आधा थ्योरम आएगा वो प्रूव करो, ऐसे आएगा। ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन प्रॉब्लम कोर्स, देखो अगेन ये मैट्रिक है या नहीं, दिस इज PYQ, हमने पहले भी सॉल्व किया है। एंड नीचे वाला तो मैंने पहले ही PYQ के लेक्चर में सॉल्व किया था, दिस इज अगेन PYQ। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम कोर्स नहीं है ये, क्या है, हाँ ये कुछ तो क्वेश्चन पेपर ही है, 4817। ठीक है, अब यहाँ पे भी दिस इज अगेन PYQ, ये हमने पहले भी सॉल्व किया है। बाद में यहाँ पे ओपन स्पेयर निकालो, ये भी हमने निकाला है, मतलब किया है हमने सॉल्व, बेटर वे इज अगेन PYQ। नाउ यू इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू 5, ये वाला भी PYQ है, ये मैंने सॉल्व करवा के दिया है। सो आपको ढंग से कराना है। ठीक है, देन ये क्लोज सबसेट है सो इसको मत करो। ठीक है, लेकिन ये आया था इसलिए। देन दिस इज अगेन PYQ, अब भी होमवर्क में ये दूसरी बार आ रहा है, सो इट्स अगेन PYQ, तो आपको अगेन सॉल्व करना है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन डाला, इक्विवेलेंट का जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट के ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मैंने जानबूझ के स्किप कर दिया, दैट्स वाई आपको दिखा नहीं होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। यहाँ पे ये भी नहीं करना है, आई डोंट नो वाई मैंने क्रॉप क्यों किया उसे, आई एम सॉरी। ओके, बट यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है कि सिंगल टर्न शो दैट एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली एवरी सिंगल टर्न सेट इज ओपन। ठीक है, तो आपको ये इसका प्रूफ, मतलब ये आज तक मैंने सॉल्व नहीं करके दिया है, सो इट विल बी प्रॉपर होमवर्क फॉर यू। लेकिन जो पहले के थे वो हमने कभी ना कभी सॉल्व किए, तो वहां पे कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटर है अच्छे से सारे PYQ सॉल्व करो, आप देखोगे कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उनका पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन भी से रिपीट्स होते हैं। मतलब जो हमने डी स्टार वाला सम देखा, लेट मी शो यू, ये वाला देखो, ये वाला मैंने खुद 4 बार देखा। तो देखो ये ऐसे सम आपको करके रखने हैं, मतलब प्रॉपरली, कहीं भी कभी भी आए आपको सॉल्व करना होगा ही। ठीक है, सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम वी विल सॉल्व द रियल एनालिसिस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ कमी लगी कि बाबा ये थोड़ा घटिया पढ़ा रहा बंदा, तो क्या किया जाए, तो आप बिना डरे मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि बाबा ये ऐड करके देखो, इस मेथड से पढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आखिरकार फायदा आपका ही होने वाला है, मुझे क्या। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।